everyone. This is Kumar Kripanti. I'm Manisha Dimri. I'm Shubham Chug. और आज हम आ गए हैं कसौल में. हम कसौल पहुंच गए थे almost around 11:30. उसके बाद हम पहुंचे अपने हॉस्टल में जिसका नाम है नोमैड हॉस्टल. कसौल का ऑलमोस्ट बहुत पॉपुलर हॉस्टल है. कसौल हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में पार्वती घाटी में बसा एक छोटा सा खूबसूरत गांव, एक गांव जो यंगस्टर्स के बीच हॉटस्पॉट बन चुका है. देश विदेश से लोग यहां आना चाहते हैं. कसौल एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर साल 1990 से पॉपुलर होना शुरू हुआ जब इजरायलियों ने बढ़ते टूरिज्म की वजह से ओल्ड मनाली को छोड़कर यहाँ आना शुरू कर दिया. इजरायली अपनी मिलिट्री ट्रेनिंग के बाद ओल्ड मनाली अपना वेकेशन एंजॉय करने आया करते थे, पर जब ओल्ड मनाली में इंडियन टूरिस्ट की भरमार होनी शुरू हो गई तब 1990 में उन्होंने इस गांव को ढूंढा. तब तक ये गांव बिल्कुल ही अनछुआ था. इजरायलियों ने यहां आकर कैफे, कैंपिंग, ट्रैकिंग जैसी नई चीजें शुरू की, इसलिए आज तक आपको यहाँ इजरायली ट्रेडिशन की झलक देखने को मिलती है और इसे इंडिया का मिनी इजराइल कहा जाता है. अगर आप भी यहाँ आना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है बसेस का. दिल्ली से कसौल के लिए आपको आसानी से प्राइवेट और HRTC बसेस मिल जाएंगी जिनमें वोल्वो सबसे कंफर्टेबल ऑप्शन है. 900 से लेकर 1500 तक के रेंज में आपको आसानी से एक अच्छी वोल्वो मिल जाएगी. प्राइवेट वोल्वो आपको सीधा कसौल मेन मार्केट पहुंचाएगी, जबकि HRTC से आप भुंतर उतर पाएंगे. भुंतर से उतरकर आपको आसानी से कोई भी लोकल बस मिल जाएगी जिससे आप सीधा कसौल पहुंच सकते हैं. बसेस के बाद बात करते हैं फ्लाइट्स की. अगर आप यहाँ बाय एयर आना चाहते हैं तो कुल्लू मनाली एयरपोर्ट तक आ सकते हैं. इसके बाद आपको 30 किलोमीटर का सफर कैब से करना होगा. अब जब कसौल पहुंच ही गए हैं तो एक्सप्लोर करने में देर किस बात की. हम भी निकल पड़े अपने हॉस्टल से एक्सप्लोर करने के लिए कसौल, कसौल मेन मार्केट, कुछ अच्छे कैफे और फिर आस पास के कुछ ट्रैक्स को. ये है कसौल का मेन चौराहा. सारी मेन मार्केट, मेन कैफेज यहीं और इसी के आसपास ही हैं. अगर आपको कसौल एक्सप्लोर करना है तो ये मेन हब है जिसके आसपास आप पूरा कसौल घूम सकते हैं. कसौल बेसिकली एक बहुत छोटा सा ही एरिया है जहां आसपास आपको पूरा घूमने में एक घंटे से भी कम का टाइम लगेगा. कसौल जब भी जाएं अपनी ज़रूरत के हिसाब से कैश प्रॉपर साथ लेके जाएं, क्योंकि पूरे कसौल में सिर्फ एक ही ATM है और ये कभी काम नहीं करता. राइट साइड पे दिखने वाली दोनों दुकानें कैश प्रोवाइड करती हैं 5% चार्जेस के साथ. लगाई थी बहुत ही तेज की भूख तो हम आ गए इस क्यूट से कैफे में जिसका नाम है बुद्धा प्लेस. मुझे यहाँ पर बैठना और यहाँ पर खाना खाना पसंद आता है. जनरली यहाँ का खाना भी अच्छा होता है और लोकेशन तो अच्छी है ही. तो अब हम एंजॉय करते हैं हमारा मील. चार्ज करने के बाद अब टाइम हो चुका है चलाल ट्रैक करने का. तो मेन मार्केट से ही चलाल का रास्ता जाता है. आपको ये बोर्ड मेन मार्केट में आराम से दिख जाएगा और अब हम चलते हैं चलाल की ओर. लास्ट बुद्धा कैफे पे मील एंजॉय करने के बाद अब हम जा रहे हैं चलाल. वो पीछे जो आपको पुल दिख रहा होगा वहाँ पे उसको क्रॉस करने के बाद
ये जो नदी है इसके किनारे किनारे एक ट्रेल है। ऑलमोस्ट 30 मिनट्स का ट्रैक है जितना हमने सुना और पढ़ा है। हाँ, 1 से 1.5 किलोमीटर का। तो अब हम जा रहे हैं छलाल। कैसा ट्रैक है, कितना खूबसूरत गांव है, वो तो जाने के बाद पता चलेगा। अब जो पढ़ा है उस पर यकीन करने में और जो देखेंगे उस पर यकीन करने में तो बहुत फर्क होता है। तो अब छलाल चलते हैं। मतलब छोटा सा, काफ़ी प्यारा सा, काफ़ी टच है यहाँ पे ट्रेडिशनल हिमाचल का। कसौल जैसा नहीं है, यहाँ पे होटल्स वगैरह नहीं मिलेंगे, बट हाँ होम स्टे हैं काफ़ी सारे, छोटे छोटे प्यारे से घर हैं, यहाँ पे आप रह सकते हो। वहाँ पे खाने का भी थोड़ा बहुत है, कैफेज़ वगैरह अच्छा है। छोटा सा ट्रेल है, कुछ छोटा सा ट्रैक करने का मन हो, थोड़ा हिमाचल का फील लेने का मन हो तो यहाँ से आया जा सकता है। अभी हम छलाल में हैं। कसौल से ऑलमोस्ट 30 मिनट का ट्रैक था, 30 से 40 मिनट आपको लग सकते हैं। एक छोटा सा गांव है जहां पर आपको ट्रेडिशनल हिमाचली घर देखने को मिलेंगे। कोई होटल्स नहीं है, अगर आप यहां पर रुकना चाहें तो होम स्टेज हैं। सामने ये खूबसूरत सी नदी बह रही है क्योंकि ये एक वैली है, बड़े बड़े पहाड़ हैं एंड इट्स ब्यूटीफुल। हम लोग अक्सर कसौल में ही रुकना प्रेफर करते हैं, वहीं रुकते हैं, बट मुझे लगता है 30 मिनट का ट्रैक करके यहाँ पर आके यहाँ रुकना कसौल रुकने से ज़्यादा वर्थ इट है। अगर आप नेक्स्ट टाइम कभी भी अपना ट्रिप प्लान करें अपने दोस्तों के या फैमिली के साथ हो तो आप यहाँ पर रुककर नेचर को कई ज़्यादा इंजॉय कर सकते हैं। तो कैट गुड ब्यूटी। उम्मीद करती हूँ व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।